हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS डेवलपमेंट। मैं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम इनम्यूरेशन यानी इनम को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनम इन स्विफ्ट प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमने क्लास और स्ट्रक्चर को हैंडल किया और साथ ही साथ इस वीडियो सेशन पर हम इनम्यूरेशन यानी इनम को कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग और इसी तरह यूट्यूब चैनल फहद हुसैन CS पर मौजूद है। आप YouTube पर फहद हुसैन CS सर्च करके मेरे YouTube चैनल फहद हुसैन पर आके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं वो यहाँ पर मौजूद है विद ईज। आप इन्हें सेपरेट वीडियो और प्लेलिस्ट पर जाकर इनको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड है जो इन वीडियोस में इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन स्लाइड, वो तमाम मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। फहद हुसैन CS सर्च करके मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर आ सकते हैं, जहाँ से ये तमाम कोड स्लाइड और कंटेंट फ्रीली डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो repl.it वेबसाइट जो कि ऑनलाइन ID स्विफ्ट की, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके मशीन पर अगर एक्स कोड मौजूद नहीं है तो आप इसको बड़े आसानी के साथ अपनी मशीन पर इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनम्यूरेशन क्या चीज़ है। सो इनम्यूरेशन यूजुअली जस्ट कॉल्ड इनम एंड प्रोनाउंस्ड इनम आर अ वे फॉर यू डिफाइन योर ओन काइंड ऑफ द वैल्यूज़ इन स्विफ्ट। बट इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट के अंदर या आइदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनम का इस्तेमाल यूजुअली हम उस वक्त करते हैं जब हम अपनी तरह के कोई डेटा टाइप्स को बनाएं। फॉर एग्जांपल, मैं डेज के रिस्पेक्ट से कोई डेटा टाइप बनाना चाहता हूं क्योंकि डेज स्ट्रिंग में काउंट होती है, इसका कोई सेपरेटली डेटा टाइप नहीं है। इसी तरह जो टाइप ऑफ वेदर्स होते हैं कि ऑटम है, स्प्रिंग है, इसके टाइप पर अगर मैं इनम बनाना चाहता हूं टाइप्स ऑफ वेदर्स पर, तो मैं बना सकता हूं। आगे फर्दर बताया जा रहा है, इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे आर सिंपल लिटिल थिंग्स बट स्विफ्ट ऐड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर टू डैम इफ़ यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड द बेसिक। अगर आप बेसिक से थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनम का इस्तेमाल बहुत ही ब्रॉडली और हाई लेवल पे स्विफ्ट के अंदर किया जाता है। तो हम दो एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें बेसिक भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि हम इसे ओन डेटा टाइप क्रिएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम वो करके भी देखेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम एक बेसिक मैथड बनाते हैं और उस मैथड को इनम के जरिए से हैंडल करना देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जूम करता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ वेदर, और इस वेदर के अंदर मैंने टाइप लिखा, टाइप से एक डेटा टाइप बनाता हूँ जिसको स्ट्रिंग, और साथ ही साथ इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी बॉडी बना ली। जिस तरह से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल नलेबल हो सकता है जिसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो रिटर्न टाइप ये नलेबल भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क के साथ। आइदर अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्वेश्चन मार्क आप हटा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा अगर टाइप जो है हमारा जो पैरामीटर टाइप है उस टाइप पे लिखा हुआ है सनी, विच मीन टाइप ऑफ सनी डेज, तो क्या करना चाहिए, दैट्स इट। यानी इसी तरह अगर ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए वो बताओ। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न करा दिया फॉर एग्जांपल नल, और इसी तरह यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया नथिंग, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल मैथड है। अब इस मेथड के इंस्टेंस को क्रिएट करना है और टाइप ऑफ वेदर डालना है, लिहाजा इसके लिए मैं नीचे आता हूँ और लेट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डबल ए, और डबल ए में अपने वेदर का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन है फंक्शन कॉल करता हूँ डायरेक्टली, आप वेरिएबल भी कर सकते हैं और इसी तरह से अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो मैंने कहा वेदर और टाइप्स जो पैरामीटर है उस पर मैंने यहाँ पर पहले राइट लिखा, ठीक है, दैट्स इट। अब क्योंकि ये वैल्यू निल रिटर्न कर रहा है तो यकीनी तौर पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और इसमें नथिंग होगा, तो कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट के अंदर लाना होगा क्योंकि अंदर वैल्यू सिर्फ रिटर्न हो रही है। तो मैंने प्रिंट के अंदर इसे इनक्लोज कर दिया एज लाइक दिस, और उसके बेस पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, बाकी ये प्रीवियसली प्रोग्राम के कुछ इसी के वार्निंग्स हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं, और एट लास्ट आप देख रहे हो यहाँ पर निल यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ और वर्ड लिख देता हूँ जो इस कंडीशन को ट्रू नहीं करेगी, तो इसके बेस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर नथिंग प्रिंट हो गया जो कि रिटर्न टाइप पर है। तो इस वक्त जो मेथड बनाया गया है इसका मेन पर्पस ये था कि इफ एल्स पर ये वर्क किस तरह से करेगा। आप देख रहे हो कि टाइप की वैल्यू बार बार मुझे लिखनी होगी, उसके बेस पर ही हमें ये चीज़ें रन होगी, तो क्यों ना मैं टाइप ऑफ वेदर के नाम से एक इनम क्रिएट कर लूँ जहाँ पर वो तमाम चीज़ें मैं बताऊँ जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। तो इस टाइप्स के नाम से जो यहाँ पर मौजूद है, इस टाइप्स के नाम से या टाइप ऑफ वेदर के नाम से मैं इनम बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम एक इनम क्रिएट करते हैं। तो इनम क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप इनम लिखोगे और उसके बाद इनम का नाम लिखोगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर
वेदर टाइप के नाम से ईनम बनाया, और उसके बाद जितने केसेस हो सकते हैं वो मैंने लिख दिया, यानी सनी डेज हो सकता है विच मीन सनी, इसी तरह से क्लाउड हो सकता है, रेन हो सकता है, विंड हो सकता है, स्नो हो सकता है, एंड सो ऑन, जितने केसेस हैं वो तुमने लिख दिया। अब इस इनम को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके अपने इस मेथड में यूज़ करता हूँ। तो अब ये जो वेदर टाइप है एक्चुअली ये एक्सचेंज हो जाएगा इस जगह से। तो मैंने इस सनी डेज को जो मैंने हार्डली यहाँ लिखा था, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल वेदर टाइप डॉट एस यू एन, विच मीन मैं वेदर टाइप से सनी को यहाँ पर हैंडल करा रहा हूँ कि अगर वेदर टाइप सन फुलफिल हो जाता है स्ट्रिंग की वैल्यूज से जो यहाँ पर कॉल करते वक्त लिखा जाएगा तो ये काम होगा, वगरना ये काम होगा। अब जब मैं वेदर के यहाँ पर टाइप लिखूंगा तो द टाइप्स ऑफ द वेदर शुड बी अमंग ऑफ दीज, अगर वो इनमें से होगा तो ही कोई कंडीशन फुलफिल करेगा, अगर इनमें से नहीं होगा तो हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा, और होना भी यही चाहिए। लिहाजा इस बेस पर अगर तुम प्रोग्राम को रन करो तो तुम देख सकते हो। तो मैं इसके लिए जब फंक्शन को जहाँ कॉल किया जा रहा है मैं वहाँ पर आऊँगा, यानी इस जगह पर, और यहाँ पर आकर मैंने राइट वैल्यू लिख दी, यानी मैं वेदर को जब मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो मैंने कहा इनम में देखो जो सन वैल्यू अगर मैच हो रही है तो तुम वही काम करो इफ के अंदर जो हो रहा है। मैंने प्रोग्राम रन किया, ओके वेदर टाइप्स डॉट सन एन आर्गुमेंट स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ओके ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मैं डेटा टाइप बता रहा हूँ स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पर अपना डेटा टाइप लिखना होगा जो कि यूज़र डिफाइन है इनम टाइप। तो मुझे इस जगह पर वेदर टाइप यानी इनम का नाम लिखना होगा जो मैंने नहीं लिखा, तो मैंने इसको एक्सचेंज किया और उसके बेस पर अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और अब हम देखते हैं, और अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली विथ वार्निंग चल गया, निल यहाँ पे लिखा रहा है क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखो मैं पहली कंडीशन पर जहाँ पर डॉट सनी को कॉल किया गया, अब मैं रेन की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेन इनम में ज़रूर मौजूद है लेकिन कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है। लिहाजा मैंने प्रोग्राम को दोबारा रन किया और इस बेस पर हम अपने देखेंगे कि एल्स वाली कंडीशन चल गई। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो वेदर टाइप में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर में क्या है कि टाइप्स शुड बी अमंग ऑफ दीज वैल्यूज़ जो इसमें यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जांपल डबल एन, जो कि इस केसेस में मौजूद ही नहीं है, उस बेस पर प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये यकीनी तौर पर हमें डिक्लेयर वैल्यू का वो देगा वार्निंग प्लस एरर जो कि ऊपर दिया हुआ भी है कि ये जो आपने नई वैल्यू लिखी है इट शुड बी इन अ केस ऑफ इनम जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस तरह से इस शॉर्ट सेशन के अंदर हमने ये देखा कि इनम क्या है, हम किस तरह से अपने टाइप्स की इनम बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं या वेदर्स हैं उनके सीज़न को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्रॉपर्ली डेफिनेशन के साथ वर्किंग देखी कि एक फंक्शन विदाउट इनम किस तरह से चल रहा था और विद इनम उसकी वर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। साथ ही साथ जो क्लास और स्ट्रक्चर और इनम के दरमियान इनका जो डिफरेंस है, इनम यहाँ पर एक वैल्यू टाइप्स होता है जो एक वैल्यू रिटर्न करता है, और आप यहाँ देख भी रहे हो कि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जबकि जो क्लासेस होती हैं वो रेफरेंस टाइप होती हैं, जो प्रीवियसली सेशन पर हम देख चुके हैं कि वो रेफरेंसेस टाइप किस तरह से वर्क कर रही थी और रिटर्न वैल्यूज़ उसकी किस तरह से आई। इसी तरह फॉर फर्दर असिस्टेंस और लॉन्ग वे में अगर आप मज़ीद इनम को पढ़ना चाहते हैं तो जो स्विफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन है docs.swift.org, आप यहाँ पर आकर इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। जो मैंने वहाँ पर चीज़ें समझाई हैं वो इन्हीं लॉजिक को यूज़ करते हुए बताई हैं, आप यहाँ पर आने के बाद उन चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस लेवल पर समझ सकते हैं और यहाँ पर अलग केसेस भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने एक ही दफ़ा एक केस लिखा है आप मल्टीपल केसेस पर मल्टीपल वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद उन चीज़ों को आप मज़ीद एडवांस लेवल पर समझ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर भी कोई अगर कोई सवाल है यहाँ पर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा इस हवाले से बरवक जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक इन्फॉर्मेशन मिले और इस तरह की चीज़ें आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकें। तमाम कोड जो मैंने अभी इस वक्त ऑनलाइन आईडी पर इस्तेमाल किए हैं वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com को पर आपको फ्रीली मिल जाएंगे, डाउनलोड करें वहाँ से और आप अपनी मशीन पर आसानी यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।